नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार खुद को विकास पुरुष बोलते हैं और लगातार सड़कों का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा बिहार की राजधानी पटना में तो देखने को जरूर मिला है। मरीन ड्राइव, अटल पथ, कई फ्लाईओवर का जाल पूरे राजधानी पटना में दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ठीक यही चीज गाँव में भी दिखाई दे रही है? वित्तीय वर्ष साल 2023-24 का सड़क निर्माण का बजट 2,61,885 करोड़ रुपए का है, जिसमें मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के लिए 2,374.98 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उसके बाद भी बिहार में गांव के सड़कों के हालात काफ़ी ख़राब हैं। खगड़िया जिले में बखरी प्रखंड जो बेगूसराय है, उसको खगड़िया जिला से जोड़ने वाली जो मुख्य सड़क है, जो लगातार व्यापार को जोड़ती है बेगूसराय और खगड़िया के व्यापार को, और रोजगार जनरेट करने में लगातार वो मददगार साबित होती है, उस सड़क की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये वर्षों से इस सड़क का कोई रखरखाव का काम नहीं हुआ है। बरसात होने की वजह से सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। रोज यहाँ पर लोग हादसों का शिकार होते हैं। खुद हमारे पत्रकार अनुज कुमार जब वहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए लोगों से बात कर रहे थे, उनके आंखों के सामने एक व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ मोटरसाइकिल से उस सड़क से गुजर रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। आप देखिए खगड़िया से अनुज की ग्राउंड रिपोर्ट। इस रास्ते में कम से कम एक भाटौना का गड्ढा, कम से कम 5 फीट का गड्ढा होता है, जिसमें कि गाड़ी गिरता है और गाड़ी पलट जाता है। किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, किसी का माथा फूटता है, हर एक तरह का बात है। और बेला चौक पे ही ऐसा है, और बेला चौक से आगे बढ़ के सावजी टोला है, वहाँ पर भी है, और उससे आगे चौरसिया जी टोला है, वहाँ पर भी है। यहाँ 3-4 जगह ऐसा डेंडस पोजीशन है जिसका कि कहीं भी पैर हाथ, किसी का हाथ पैर कुछ भी टूट सकता है। हमको बहुत डर लगता है कि बच्चे कहीं फेंकने दे, फेंकने के बाद परेशानी है। आज उससे पहले भी 4 दिन पहले यहाँ पर एक लोग वाला गाड़ी लसक गया पिकअप, उसके बाद दिन छोड़ लेके जा रहा था गाड़ी, वो भी लसक गया। अच्छी, ये रोड कितने दिनों पूर्व ये बना हुआ था, इसमें मरम्मत कार्य किया गया था? ये 2-3 महीना पहले, 3 महीना, 3 महीना पहले हुआ था। सबसे पहली बात है, इस रोड का मेंटेनेंस है सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। इसमें जो मटेरियल्स लगना चाहिए मटेरियल्स मिल नहीं, दे नहीं पा रहा है, और ऊपर वाले जो बैठे हुए हैं वो कभी भी किसी ठेकेदार से फीडबैक नहीं लिया है, नहीं ये दिया है। ये रोड कितनों दिनों से ख़राब चल रहा है? 2 महीने से ख़राब है रोड। अच्छा, कभी ऐसा आपको डर लगता कि हमारा बच्चा रोड पे खेल रहा है, कहीं खेलते खेलते बगल में गड्ढा है, चाहे रास्ता आपके घर के नज़दीक से होके गुजरता है, गाड़ी आपके बगल घर से होके गुजरता है, कभी ऐसा डर लगता कि मेरा बच्चा कभी इसमें दुर्घटना हो सकता है? बहुत डर लगता है इसमें, जिसमें यहाँ हम लोग बैठे रहते हैं तो गाड़ी बगल से गुजरती है, उसे पानी पूरा चला जाता है हम लोग के ऊपर शरीर में। इन लोग से फिर गाड़ी रोकवा बोलते हैं तो बोलता है रोड ही ऐसा, तो हम क्या करेंगे इसमें? इसमें क्या एक्सीडेंट भी होता है? एक्सीडेंट डेली, रात में भी एक मोटरसाइकिल से जा रहा था तो वहाँ पे गाड़ी स्टैंड कर दिया था, लेडीज गिर गया था पानी में। जब से खगड़िया पुल टूटा है उसी दिन से रोड खत्म हो गया है। हमको दिक्कत होता है, हम गरीब आदमी दुकान करके खाते हैं, हमको देह पर चलाने, हमको पोती ठहरा था, उसको हाथ टूटने लगा, तब उधर से हम आँख पारे, तब गाड़ी वाला ठहरा किया। राहगीरों को इतना ज़्यादा परेशानी होता है, आपसे हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। और सीधी सी बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सीधी सी बात है कि आप इन बिहार सरकार को इस रोड की समस्या पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मोदी जी कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, तो 56 इंच का सीना आप देख सकते हैं कि रोड पर अब 56 इंच का सीना क्या दिखा रहा है। तो इस पर बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों की चिंतन करने की ज़रूरत। आप लोगों की क्या, इस रोड ख़राब होने से आप लोग का क्या नुकसान असर पड़ता है? आप लोग, हम लोग को बहुत नुकसान होता है, बच्चे लोग खेलते हैं तो गाड़ी लोग बहुत डर लगता है, क्योंकि गाड़ी पूरा साइड से जाता है यहाँ पर, रोड टूटने वजह से पूरा गाड़ी चाँपता है इधर में। डेली 4-5 ऐसे होता है, सुबह भी एक गाड़ी लसक गया था, परवल लेके जा रहा था, टेम्पू था उस साइड में लसक गया, एक बड़ा भी गाड़ी लसका था, पूरा धस गया था उधर में। बहुत तकलीफ होता है सर जी, इतना खराब है, जो इतना परेशानी है, जो आदमी पैसेंजर में तकलीफ होता है, चोर लगता है, गिरता है, गाड़ी पलटता है, रिक्शा भी पलटता है,
बहुत परेशानी, हर बहुत दिक्कत है, परेशानी है, इसलिए पैसेंजर भी तकलीफ में जाता है, चोर लगते हुए गिरते हुए पड़ते हुए जाता है। यहाँ के स्कूली बच्चों के लिए क्या दिक्कतें का सामना करना? सारी दिक्कतें हैं उनको, अभी जाएगा बाइक फूट जाएगा तो रोड गड़बड़ है, गिर जाएगा, उसमें बहुत बहुत घाव लग जाएगा, एनी टाइप ऑफ ट्रबल चल रही है। ये लगभग 1.5-2 महीना हुआ है, बीच में वहाँ खड़िया वाला पुल डैमेज हुआ था ना, तो टोटल गाड़ी यही होकर पास होता था, इसीलिए ये रोड बहुत डैमेज हो गया है। हम मेरा बैठक है कल 16 तारीख को, सामान्य बैठक है, उसमें हम ये बात को रखेंगे, जो कि यहाँ से लेकर यही नहीं है, बेले में नहीं है, यहाँ से लेकर के मान के चलिए खगड़िया तक है रोड डैमेज हुआ है। क्या आप इस चीज़ पे कभी आपके क्षेत्र के चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, कभी आपने इस चीज़ के बातों को लेकर मुद्दा क्या आपने उठाए थे? उठाए थे, पहले उठाए थे, बैठक में उठाए थे। उन लोगों का क्या कहा गया था? हम बैठक देखिए बैठक में होता है, बैठक में सामान्य बैठक में हर एक विभाग का लोग रहता है उसमें, तो उसमें हमें उठाते हैं बात को जो फलना रोड गड़बड़ है, फलना रोड गड़बड़ है, उस रोड को मरम्मत किया जाए या ठीक किया जाए। बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बजट 4,460 करोड़ रुपए का है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का बजट 2,374 करोड़ रुपए का है। उसके बावजूद हालात खराब क्यों है? क्या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो पूरा पैसा है वो सड़कों के रख रखाव, सड़कों के मरम्मतीकरण के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? लोगों की परेशानी का समाधान निकालने के लिए हम लोगों ने सरकारी अधिकारी से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वीडियो के एडिट होने तक हमारी सरकारी अधिकारी से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। उनके तरफ से किसी भी तरीके का जवाब हमें नहीं मिला है, लेकिन हम लगातार अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस समस्या में जल्द से जल्द बदलाव आ सके। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही YouTube पर आप हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।